पावर लीक मामले को लेकर आज युवा कांग्रेस के नौजवान सड़कों पर जो है सरकार बार बार इनके जो भी आज तक एग्जाम करा रहे पेपर लीक हो रहा है युवाओं के साथ छला जा रहा है। आज हम सब लोग आज एकत्रित हुए पेपर लीक और अपनी जन समस्याओं को लेकर सिर्फ मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए, पर ये सरकार और इसका प्रशासन पूरे तरीके से आबरू था हम लोगों को मारने के लिए, पीटने के लिए। हमारे कुछ लड़कों को इतनी बुरी तरीके से मारा, मेरा सर इन्होंने अपनी गाड़ी में मारा, उसके बाद चोटिल किया, ऊपर बैरिकेडिंग से फेंका। देखिए मेरी पूरी कमर सूजी हुई है साहब। और ये सिर्फ सरकार ये नौजवानों की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमें उधेड़ के मारा गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारा गया, और कितने लोग हमारे चोटिल हैं, कोई अस्पताल जाने को तैयार नहीं, उसको लोगों को ले जाने को तैयार नहीं। हमने बड़ी मुश्किल में अपने लोगों को अभी अस्पताल ले जाना चालू किया है। बहुत लोग चोटिल हैं, बहुत लोग घायल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। चोट लगी है यहाँ पे लगी है और बाकी घुटने में मेरे लाठी मारी बहुत जोर से, और ऊपर से बैरिकेडिंग पे अध्यक्ष जी को उठा के खींच लिया गया। ये सरकार फकत और फकत यही चाह रही है कि युवा अपने घर में खामोशी से बैठ जाए या जहर खा के मर जाए या पकौड़े तले। ये सत्ता से हम लोग की लड़ाई है, राहुल गांधी के हम दीवाने हैं। 2024 में योगी की सरकार बदल के रहेंगे, ये तानाशाह सरकार युवाओं की विरोधी है। आज उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करा, तमाम युवाओं की जो समस्याएं हैं उसके तहत प्रदर्शन करा है। पुलिस और आरआरएफ की टीम से झड़प भी हुई है और इनको इको गार्डन ले आया गया है। हमारे साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बीवी श्रीनिवास जी, आज आप लोग आंदोलन कर रहे थे और जिसके तहत आप लोग की झड़प भी हुई पुलिस और आरआरएफ की टीम से, क्या कुछ मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर आप लोग आंदोलित थे? देखिए पेपर लीक सरकार है, बुंगे बेरे निकम में सरकार है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का नंबर वन किस चीज़ पे बनाया है, पेपर लीक पे नंबर वन, बेरोजगारी पे नंबर वन, महंगाई पे नंबर वन, करप्शन पे नंबर वन, सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाला कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, अत्याचार पे नंबर वन, लूट में नंबर वन, मीन्स हर चीज़ में नंबर वन बना दिया। लोग ने धर्म के नाम पे जो हिंदुत्व का जो नशा बांट के युवा को गुमराने का काम जो कर रहा है, वो हमला को नारा लगाने से पेट नहीं भरेगा, नारा लगाने से घर नहीं चलता है। हमको रोजगार चाहिए, आपने वादा किया, आपने रोजगार नहीं दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है, आपने पेपर लीक करा रहा है, खुद पेपर लीक करवा देगा, नोटिफिकेशन लेके उसका फीस का भी पैसे खाएगा, फिर एग्जाम को रुकवा देगा, सब कुछ कराने का काम सरकार खुद कर रही है। तो इसके खिलाफ हमने न्याय मांगने आए, तमाम कार्यकर्ता को लाठी चलाने का काम इन लोग ने किया। श्रीनिवास जी, आपने उत्तर प्रदेश में ये बात रखी कि धर्म और जाति की राजनीति करी जा रही, लेकिन उत्तर प्रदेश इसे अछूता नहीं रहा है। यहाँ पे जितनी भी पार्टियां रही हैं वो धर्म और जाति के आधारित राजनीति करती हुई नजर आई है। कांग्रेस इससे मना करती रही कि हम मुद्दों पे राजनीति करते हैं, लेकिन अब आपका जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ वो पीडीए की बात कर रही है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीडीए का मुद्दा क्या आप भी उठाएंगे? देखिए गठबंधन में तमाम चीजें जो वरिष्ठ नेता लोग उन लोग से डिस्कशन हुआ है, जो दोनों मिलके जो गठबंधन हो गया तो फिर दोनों जो लड़ाई लड़ना है तो दोनों लड़ाई लड़ेंगे। तो सरकार को उखाड़ के फेंकने का है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपना भी कुछ विचार है, उनको भी कुछ विचार है, सारे आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। दोनों का मकसद क्या है, उत्तर प्रदेश का युवा को रोज़गार चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो जनता है या महंगाई से जो जूझ रहा है, जो और किस लेवल पे जो करप्शन हो रहा है, करप्शन को लेके हम लोग ने जो लड़ाई लड़ना है वो लड़ाई लगातार जारी रहेगा। ये लोग कितने भी कोशिश करे, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। ये तमाम साथियों को देखिए कौन कौन किस लेवल पे इन लोग ने लाठी चलाया, जूतों से इनको घिसाड़ा है, मीन्स कहीं ना कहीं ये सरकार डरती है। एक सवाल और रहेगा आपसे, आखिरी सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से हम बात करें युवाओं की, आप बात उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भाजपा ये दावा करती है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो परियोजनाएँ हैं वो ज़मीन पर उतारी जाएंगी और 34 लाख से लगभग ज़्यादा जो रोज़गार है वो मुहैया कराएगी
सरकार, इन वादों को कैसे देखते हैं? देखिए सारे पेपर में है, इन लोग ने मोदी जी का जो चूरन चाटना नहीं चाहिए, योगी का चूरन चाटना नहीं चाहिए, डांटना चाहिए सरकार को। सरकार ने डांट रहा है, सरकार ने आम लोगों को जो आवाज उठाते हैं उनको डांटना, उनको डंडा चलाना, केस डालने का काम सरकार कर रही है। सरकार जो असली इन लोग ने जो वादा किया वो एक भी पूरा नहीं कर पाया। कौन क्या पहनेगा, कौन कब मंदिर जाएगा, कौन कहाँ जाना है, क्या खाना है, ये लोग डिसाइड करेगा। हाँ, ये लोकतंत्र है भाई, सबके दिल के अंदर है, जो असली बात है उस पर बात ही नहीं करता है। आप रोजगार के बारे में बात करो, बेरोजगारी हुआ रोजगार पूछेगा, उसको पाकिस्तान के जुड़ा देगा, एंटी नेशनलिज्म बना देगा, कुछ भी बना देगा। यूथ कांग्रेस बहुत दिनों बाद जमीनी स्तर पे उतर के प्रदर्शन करती हुई नजर आई, चुनाव करीब है, ऐसे में क्या हर मुद्दे को लेके आप जन जन तक पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे सरकार की जो नाकामी हो उसके विरुद्ध? ऐसे कुछ नहीं है, यूथ कांग्रेस हमेशा लगातार सड़क पे काम कर रही है। कुछ गोदी मीडिया ने उनको दिखाते नहीं है, उनका जो भी गलत भी किया उसको अच्छा ही गिनाने का काम कर रहा है। बैठ गए, खुद बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन के बैठी है कुछ मीडिया वाले। आप मीडिया का पत्रकारिता का काम नहीं कर रहा है, चाटुकारिता काम करने का कुछ लोग कर रहा है, वो तो आपको दिखाएगा नहीं। आप सड़क पे तो भी दिखाएगा नहीं है, अब लाठी कहेगा वो भी नहीं दिखाएगा, अपने दिखाएगा जय जय, उनका कुछ भी करे उनको अच्छा दिखाने का काम सरकार कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जनता को समझ में आ गया ये सरकार किस लेवल पे है। उत्तर प्रदेश का युवा के साथ धोखा दिया है, वो अभी असलियत पता चला। किसानों के साथ, छोटे व्यापारी के साथ, छोटे छोटे जो बिजनेस को किस तरीके से ख़त्म किया, इनका जानलेवा नोटबंदी, अच्छे दिन, गब्बर सिंह टैक्स, 15 लाख, काला धन, वो सारे कहाँ चले गए, अभी भूल गया। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं हर चीज़ की इस बार फिर से, तो इनका गारंटी वही में बोल दिया ना, 15 लाख भी इनका गारंटी था, अच्छे दिन गारंटी था, अच्छे दिन का भाव 60 रुपये का पेट्रोल 110, 400 रुपये सिलेंडर था। स्मृति ईरानी जी हर सड़क पे डिस्को करती थी सिलेंडर को लेके, अभी 1100 हो गया, कहाँ है स्मृति ईरानी जी? मनमोहन सिंह जी को एक बात बोली थी, तो ये डयान महंगाई डयान बन के बैठ गया है, उसी डयान को इन लोग ने डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठा दिया। हाँ, किसानों को इन लोग ने इतना वादा किया था, MSP का वादा किया, अभी कांग्रेस पार्टी लोकसभा में सरकार आते ही MSP का बात गारंटी बोला है। आज तक जो कांग्रेस सरकार जो बोलती है, राहुल जी जो बात रखती है वो पूरा करता है। आप 15-18 साल का YouTube का वीडियो निकाल के देखिए, राहुल गांधी जी एक झूठ नहीं बोला, नरेंद्र मोदी अभी तक 5000 झूठ बोला है, योगी 10000 झूठ बोले, इनका अमित शाह, ये झूठ बूट की सरकार है, ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, महात्मा गांधी जी का देश रहेगा, ये कुछ भी कर ले गोडसे देश बनाने में वो होगा नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास थे। देखिए जो आंदोलन हुआ, जो प्रदर्शन हुआ है, उसमें तमाम कांग्रेसियों को चोट लगी है, इनके आँख के पास देख सकते हैं किस तरीके से चोट लगी है और आँखों से खून भी निकला है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे झड़प हुई और क्या कुछ उस वक्त हालात थे। क्या नाम है आपका? आदर्श मोहन पांडे, छात्र संघ अध्यक्ष, प्रयागराज, इलाहाबाद विद्यालय। कैसे चोट लगी आपकी आँख पे? हम लोग शांतिपूर्ण घेराव करने जा रहे थे जो है मुख्यमंत्री आवास, उसी बीच पुलिस प्रशासन ने हम लोग को जो है जमीन पे गिरा के वोटों से हम लोग सभी पे वार किया। ये जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से सरकार के तंत्र में काम कर रही है, पुलिस के अंदर कोई मानवता नहीं है, पुलिस जनता का, छात्र का, सबका है, पर उन्होंने केवल प्रशासन के मद्देनजर उनके आर्डर देखते हुए सब छात्रों के ऊपर जो है बोर्ड से चार्ज किया, जो है पैरों से उन्होंने मार किया जो है। तो क्या हालात थे उस वक्त, कैसे आपको चोट लग गई, क्या पुलिस ने लाठी चार्ज करा था, क्या कुछ हुआ था? हम लोग शांतिपूर्ण अपने पूरा युवा साथी, हम लोग के जो है सीनियर BV श्रीनिवास साथ हम लोग गिरफ्तार, हम लोग जा रहे थे जो अपना घेराव करने, उसी बीच
से उन्होंने हम लोग को रोक के जो है उस साथियों को पकड़ पकड़ के जमीन पर गिरा के उन्होंने पैरों से प्रहार किया जो है। पैरों से आपको मारा? जी जी, जूते से मारा, एक को नहीं, इस तरह कम से कम लोगों को जूते से मारा है। एक हमारा साथी यूथ कांग्रेस का अस्पताल में भर्ती है, चार पांच साथी एडमिट है सिविल हॉस्पिटल, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। पिछले 7 साल में एक भी भर्ती परीक्षा इन्होंने ठीक से नहीं कराई है। कभी सब्जी वाले को ठेका दे देते हैं पेपर छापने का, कभी किसी कबाड़ी वाले को ठेका देते हैं पेपर छापने का। क्यों ठेका ले गया, जो ज्यादा कमीशन दिया वो ठेका ले गया। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कमीशनबाजी चल रही है। बिल्कुल, पूरी तरह से कमीशनबाजी चल रही है। पुलिस प्रशासन खुद ही जो है कमीशनबाजी पूरी काम कर रही है। पुलिस के अंदर कोई मान्यता नहीं है, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे छात्र का मुद्दा हो, चाहे जिसका मुद्दा हो। भाई प्रशासन भी मानवता है, वो भी पढ़ी लिखी है, उनको भी समझना चाहिए। पर जो ऑर्डर आ रहा है उसी तुरंत ना सोचे समझे तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत मारपीट, तुरंत लाठीचार्ज, ये कहाँ का वार्तालाप है जो है? सरकार किसी प्रकार से सुनना नहीं चाह रही जनता की, आम जनता क्या चाहती है, क्या बोलना चाह रही है। उनको तो बस ये है कि हम अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। अरे सरकार में जो विपक्ष होता है, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। आईना इसलिए दिखाया जाता है कि उसको पता चले कि हमारी कमी क्या है। आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे ना? जी जी, हम लोग उत्तर प्रदेश की युवाओं की बात रखने जा रहे थे माननीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में। इसको घेराव करना नहीं कहते हैं। हम लोग सीएम के, तुम सूबे के मुख्यमंत्री हो, अपनी बात हम तुमसे ही रखने आएंगे ना। हम तुमसे अपनी बात रखने आ रहे हैं। तुम पुलिस अपॉइंटमेंट लिया था बात रखने? पुलिस प्रशासन अपॉइंटमेंट देते हैं, वो अपॉइंटमेंट गरीब जनता से तो कोशिश करिए भैया। अपने मंत्रियों को तो अपॉइंटमेंट देते नहीं, उनके विधायक को मिल नहीं सकते उनसे, हम विपक्ष के लोगों को क्या अपॉइंटमेंट देंगे? आम नगर के लोग हैं, हम कहाँ से मिल लेंगे? हम शांति तरीके से जा रहे थे, चारों तरफ से हमको घेरे रखा था, जैसे हम लोग आतंकवादियों, देश द्रोही, हमारे 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 जेबों में बम रखा हो आया। इसके बाद जब हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से शांति तरीके से हमने कहा हमें अपना जो तो मांग रखनी है, ये जो भर्ती हुई है इसको आप 6 महीने तक के डिले कर दिए हैं, इसको हम चाहते हैं कि ये भर्ती चुनाव के पहले ही हो जाए। जब CAA का मामला आप 1 मार्च से ला सकते हैं, तो भर्ती का पेपर के लिए क्यों नहीं 1 मार्च से ला सकते हैं? क्या CAA आपको वोट दे सकता है? ये भर्ती में आपको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो तो सी भर्ती परीक्षा को आप 6 महीने बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? हम अपने शांति तरीके से लेके जा रहे थे, पुलिस प्रशासन ने हमको रोका। जब हमने उनसे कहा हमें जाना, अपने मांग रखनी है, तो बस पुलिस प्रशासन लाठियां मारने स्टार्ट कर दिया। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे युजन सभा के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, युवा कांग्रेस के जो लोग थे, वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। उनका कहना था कि हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और युवाओं के जो समस्या है उनको रखेंगे, जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे, जिसके तहत RRF और पुलिस की टीम से इनकी झड़प हुई। तमाम कांग्रेसियों को चोटें आई हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इनका दावा है कि कुछ जो इनके साथी हैं वो सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, और तमाम जो लोग हैं देख सकते हैं, इनको आँख में चोट आई है, इनको पैर में, और 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिनको हाथ और पीठ में भी चोट आई है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब राजखान।